18 साल की लड़की दिखने लगी 144 की। जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने कुछ मूवीज देखी होंगी जहां पर एक स्पेसिफिक सिंड्रोम की वजह से कोई बच्चा जब पैदा होता है तो बुड्ढों की तरह दिखता है, और जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो फिर बच्चा बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इंग्लैंड के वेस्ट ससेक्स में रहने वाली स्मिथ के साथ। वह दुनिया के सबसे स्पेसिफिक सिंड्रोम से पीड़ित है, जिससे ये 18 साल की उम्र के होने के बावजूद 144 की दिखते हैं। इनके सर में कोई बाल नहीं है, दांत नहीं है, और ये एकदम बुड्ढों की तरह दिखती है। स्मिथ को हचिनसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम है, जिसके चलते वे ऐसे दिखती है। आपका क्या कहना है स्मिथ की इस बीमारी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ साल पहले जब हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट ने एक मूवी क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में काम किया था, तो इस मूवी में जब वो पैदा होते हैं तो एक बुड्ढे की तरह होते हैं, और जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो बच्चे बनने लगते हैं। मतलब इनकी जिंदगी उल्टी चल रही होती है। हालांकि इस मूवी के आने के बाद इस स्पेसिफिक कंडीशन प्रोग्रेरिया को बेंजामिन बटन कंडीशन भी कहा जाने लगा था। ये बेहद दुर्लभ सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में बच्चे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते। क्या आपने ये मूवी देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि इस लड़की स्मिथ की मौत 17 जुलाई को हो चुकी है, और उस समय उनकी उम्र 18 साल थी, पर इनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि 18 साल की युवा है। ये देखने में बिल्कुल एक बुड्ढे की तरह लग रही है। इसकी मौत के वक्त उनके आखिरी शब्द थे कि तुम्हें अब मुझे जाने देना चाहिए। आपका क्या कहना है इस लड़की और इसके बीमारी के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।